हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरे चैनल आइडियल मामा। आज के इस वीडियो में हम ड्राई रोस्टेड मखाने कैसे बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम रोस्टेड मखाने बनाएं। तो रोस्टेड मखाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल में मखाने। एक बाउल मैंने फुल मखाने लिए हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ, मैंने लिया है 2 चम्मच घी। इस चम्मच से मैंने ये घी लिया है 2 चम्मच। ये लिया है मैंने नमक, 1 चम्मच नमक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। इसके अलावा ये लिया है मैंने एक कंटेनर, जिसमें मैं इनको बनाने के बाद रखने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मखाने जो है वो बहुत ज़्यादा एक हेल्दी रेसिपी है। बच्चों को देने के लिए आप इसे यूज़ करें, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस ऑन करेंगे हम एक कढ़ाई लेकर। गैस जो है पहले हम हाई फ्लेम में रखेंगे और देखेंगे कि जब तक आपकी कढ़ाई अच्छे से गर्म ना हो जाए। हम ऐसे चेक कर रहे हैं ये। अब कढ़ाई गर्म होने पर हम घी, लिया हुआ घी जो हमने 2 चम्मच लिया है, उसे हम डाल देंगे कढ़ाई पे। इसे हम पूरा अच्छे से डाल लेंगे और अब हम इसे कढ़ाई पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, जिससे क्या है जब आप मखाने डालेंगे तो वो इसमें चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये हम इस तरीके से इसे स्प्रेड कर देते हैं सही से। अब घी को गर्म होने देते हैं। हाथ से हम चेक करते रहेंगे इस तरीके से बीच बीच में कि हमारा घी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। देखते रहेंगे, जब आपकी जो हीट फ्लेम आपके हाथ में हीट आने लगेगी तब आप समझ जाइए कि आपका जो घी है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें मखाने और मखाने डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मखाने, ये प्रोटीन रिच फूड है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा फाइबर, इसमें फाइबर्स होते हैं, बहुत डाइटरी फाइबर्स, आपका डाइजेशन ठीक रहता है। अब ये मखाने ढंग से भुन चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने 1 चम्मच नमक लिया हुआ था, उस नमक को हम अच्छे से फैला के इसमें डालेंगे और मखाना को अच्छे से फिर से रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से। अच्छे से निकालिएगा ताकि क्या है जो एक्स्ट्रा जो नमक है वो सारा आपका कढ़ाई पर ही रहेगा। उस नमक को आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। आप इस नमक को निकाल के आप अपनी सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन चुके हैं हमारे ड्राई रोस्टेड मखाने। अब इन्हें हमें कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अब हमारे मखाने कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। अब देखिए, हमें इस तरीके से इन्हें हाथ से झाड़ते हुए अब हम इन्हें क्या करेंगे, इस कंटेनर में अपने जो कंटेनर हमने लिया हुआ है ड्राई कंटेनर, उसमें हम डालेंगे। और ऐसे ही इस प्रोसेस को करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा नमक है वो सारा हमारा मखानों से निकल जाएगा और हमारे मखानों में बहुत ही अच्छा, मतलब जितना ऑप्टिमम नमक है उतना ही नमक आएगा। तैयार है लीजिए आपके चटपटे मखाने। मखानों को बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च या फिर काला नमक स्प्रिंकल कर दें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इन्हें कवर करके अच्छे से रख देंगे और अब ऐसे इस तरीके से एयरटाइट कंटेनर में रखने से हम इन्हें 1.5 से 2 महीने तक तो हम इन्हें आराम से खा सकते हैं, अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि मेरी बेटी से खा रही है।